Welcome and good evening all. Today's topic is finite and non-finite verbs. Verbs का जो forms के आधार पे जो classification है, दो है, एक है finite और दूसरा non-finite. यहाँ पे भी देख सकते हैं, उनके forms के base पे. Forms कैसे? इस एक verb का उदाहरण example लेते हैं sing. Second form होता है sang. Third form होता है sung. फोर्थ फॉर्म होता है सिंगिंग एंड द लास्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म इज सिंग्स. तो जो ये फॉर्म्स होते हैं पांच फॉर्म्स, इनके बेस पे इनको इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको बांटा गया है और इनका दो क्लासिफिकेशन है, एक है फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो हम इस टॉपिक में आज फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देखेंगे. फाइनाइट वर्ब्स क्या है? तो वैसे वर्ब्स जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार, तो उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. सब्जेक्ट ये जो है नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब जो सिंटेक्स का एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट क्या है? वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वर्ब मस्ट बी प्लुरल इफ सब्जेक्ट इज प्लुरल. तो वहां पे इसी रूल को फॉलो करना होता है वर्ब को, और रूल के अनुसार वर्ब के फॉर्म्स में चेंज होता है. जैसे देखिए यहाँ पे मुनी वॉचेस कार्टून्स एवरी इवनिंग. मुनी हर दिन शाम को कार्टून देखती है. तो यहाँ मुनी जो सब्जेक्ट है यह सिंगुलर है, तो यहाँ वॉचेस लग दिया गया है, वर्ब को भी सिंगुलर किया गया है. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में दे वॉच कार्टून्स एवरी इवनिंग, वे लोग हर दिन शाम को कार्टून देखते हैं, तो यहाँ पे दे प्लुरल है, इसलिए वॉच भी प्लुरल किया गया है. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है वी वन होता है, यह होता है प्लुरल, और जो वी फाइव होता है ये होता है सिंगुलर. तो इसी आधार पर यहाँ पे देखिए वी फाइव है तो यह है सिंगुलर, और यहाँ वी वन है तो यह है प्लुरल. सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है. प्लुरल क्यों है वॉच? क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लुरल है. ये सिंटेक्स का रूल होता है. तो वर्ब्स का फॉर्म अगर सिंटेक्स के रूल से चेंज होता है तो उन वर्ब्स को बोलेंगे उस सेंटेंस के लिए फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब्स लिमिट देमसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट एंड टेंस. सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी होगा उसके अनुसार से फाइनाइट वर्ब्स को लिमिट रखना होता है. दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डेफिनेशन उसका जस्ट अपोजिट है. वर्ब जिसका फॉर्म नहीं बदलता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. नहीं बदलेगा हमेशा ही, हर स्थिति में भी आप सब्जेक्ट उसका कुछ भी चेंज कर दीजिए, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा. यहाँ पे आपने देखा मुन्नी के जगह पे दे ला दिया, मुनी जैसे दे में आया यहाँ पे चेंज हो गया, वॉच वॉचेज वॉच में हो गया, वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू वॉच अ फिल्म दिस वीक, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया. अगर इसको आप दे भी कर देंगे ना तो दे वॉन्ट्स, ये तो जो रूल है सिंटेक्स का ये यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है यही नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो दे वॉन्ट टू वॉच अ फिल्म दिस वीक, टू वॉच नहीं बदलेगा. यहाँ ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, यहाँ पे अगर कर दें कि आई एम, एम बदलेगा क्योंकि ये रूल फॉलो करता है. तो आई एम फॉन्ड ऑफ हंटिंग, तो यहाँ पे हंटिंग जो है यह नहीं बदलेगा. जो अंडरलाइन किया है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है. सीइंग कभी नहीं बदलेगा, हैविंग कभी नहीं बदलेगा. सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो चाहे कुछ भी टेंस क्यों ना रहे, राइट? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस के अनुसार चाहे सब्जेक्ट के अनुसार लिमिट नहीं करते हैं, वे बदलते नहीं हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स डजंट हैव एनी ओन सब्जेक्ट, उनका कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है.
नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ फाइनाइट वर्ब्स का देखिए वॉचेज और वॉच का सब्जेक्ट है, वॉचेज का मुनि है और वॉच का दे है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखिए जहां भी टू वॉच सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कब कहेंगे जब इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे हंटिंग नहीं है, सीइंग नहीं है, सी द लायन, ही रैन अवे, यहाँ ही के अनुसार आया है रैन, हैविंग वर्कड हार्ड ही लेफ्ट, यहाँ पे भी अलग से टेंस यहाँ पे इस पार्ट में है, तो सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना सब्जेक्ट नहीं होता है फाइनाइट वर्ब्स का। और यहाँ पे जबकि फाइनाइट वर्ब्स का अपना सब्जेक्ट होता है, जो कि मैं दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका थ्री क्लासिफिकेशंस है। एक है इन्फिनिटिव, जब वी वन के साथ टू होता है पहले तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, जब वी वन के साथ बाद में आई एन जी होता है उसे बोलते हैं जेरंड, और जब पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल में बहुत सा फॉर्म से जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो इसमें समझाएंगे कि पार्टिसिपल में क्या क्या चेंज होता है। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स का तीन है, काइंड्स प्रकार तीन है, क्लासिफिकेशन तीन है, दैट इज इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव आज खत्म कर लेते हैं, जेरंड और पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, या जेरंड एक वीडियो में और पार्टिसिपल एक वीडियो में, या दोनों एक वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डालते हैं। इन्फिनिटिव में क्या होता है बता दिया कि वी वन होगा, वी वन के पहले टू रहता है, देखिए यहाँ पे सी है, सी के पहले टू है, तो पूरा का इसको बोलेंगे हम, पूरा को जो अंडरलाइन किया है उससे बोलेंगे, खाली टू को नहीं बोलेंगे, वर्ब विद टू उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे आई विश टू सी सीता, मैं सीता से मिलना चाहता हूँ, द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट, मैच स्टार्ट होने वाला ही था, दे वॉन्ट टू विजिट द सिटी म्यूजियम, वे शहर के संग्रहालय को विजिट करना चाहते हैं। तो इस तरह से जितना मैंने सर्कल किया है सारा का सारा फाइनाइट वर्ब्स है, क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स वी वन के साथ टू होता है पहले, यही लिखा है इंग्लिश में। अ फाइनाइट वर्ब इज इन इट्स बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब वी वन एंड फॉलोइंग द वर्ड टू, टू को फॉलो करते हैं, टू के बाद होते हैं, उनको बोलते हैं इन्फिनिटिव। दूसरा है यूजेज है इन्फिनिटिव का, कहाँ कहाँ यूजेज मतलब यूज, इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या क्या है। तो पहले है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं हम इसका प्रयोग इन्फिनिटिव का। यहाँ पे टू वॉक हमने ध्यान रखिए सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं, हमने क्या कहा है यहाँ पे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन वो खुद सब्जेक्ट रूप में रह सकता है, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। क्या कि नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव भी है लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्क इज ऑन एक्सरसाइज, वॉक करना भी एक अभ्यास है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, माफ कर देना दैविक है, दैवीय है, दैविक है, टू टेल अ लाई इज सीन, झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पे जितना अंडरलाइन किया है सारा का सारा इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव है तो शुरू में आया हुआ है और यह सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। सिंटेक्स का एक रूल में एक रूल यह भी है कि जब इन्फिनिटिव और जेरंड, आप जानते हैं दूसरा प्रकार है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जब इन्फिनिटिव और जेरंड सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब देखिए जो सर्कल कर रहा हूँ ये वर्ब है, ये हमेशा सिंगुलर होता है सेंटेंस में, जब ये लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं इन्फिनिटिव एंड जेरंड तब। तो हमने देखा इन्फिनिटिव का फर्स्ट रूल यही है कि यह सब्जेक्ट का काम करता है। When infinitive are called simple infinitive, यहाँ when नहीं रहेगा, infinitives are called simple infinitives when, यहाँ पे रहेगा on infinitive is called, on infinitive is called simple infinitive when it is used as subject, जब infinitive का हम प्रयोग subject रूप में करते हैं तो उसे बोलते हैं simple infinitive,
जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम सब्जेक्ट रूप में करते हैं तो उसे सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। आगे है ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे टू ड्रिंक, टू प्ले, टू गो, टू ईट, ये ऑब्जेक्ट्स हैं सेंटेंस के। सी वांट्स, यहाँ पे सी हो गया सब्जेक्ट, वांट्स हो गया वर्ब, तो ये टू ड्रिंक सम कॉफी, तो यहाँ पे टू ड्रिंक यहाँ पे काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और ये सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट के वीडियो में बताया है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो यह सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ टू प्ले हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, टू गो हो गया ऑब्जेक्ट, और नाउ हो गया कॉम्प्लीमेंट। मुन्नी लाइक्स टू ईट फिश, तो यहाँ पे मुनी सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, और टू ईट ऑब्जेक्ट, एंड फिश कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपने देखा कि चारों सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड और सर्कल किया है अभी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट काम करते हैं, तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सॉरी, अभी तीसरा यूज है कि कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ और होगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इट इज नॉट हेल्दी टू ईट फास्ट फूड, यहाँ पे ईट हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, फास्ट फूड हो गया ऑब्जेक्ट, जो बचा वो सब कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे तो टू ईट यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इट इज एट टू डिसाइड, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब, और यहाँ पे सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये भी एट भी कॉम्प्लीमेंट ही है। तो यहाँ पे हो गया इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, माई डिजायर सब्जेक्ट इज वर्ब, यहाँ पे ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, यहाँ पे टू सी हो गया सब्जेक्ट, और टू बिलीव हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, देखना ही, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट में जाना चाहिए था। एनीवेज, तो यहाँ के जो फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स हैं इस कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। चौथा यूज है कि एज अन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यहाँ पे नॉर्मली जब हम बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस का, सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट, तो हम किसके आधार पर बोलते हैं, ही लाइक्स फिश, हम यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये फिश ऑब्जेक्ट है, हम वर्ब के आधार पर बोलते हैं, वर्ब के आधार पर कहते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन है। लेकिन अब क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन के आधार पर कहेंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो कह रहा है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूप में काम करता है। प्रेपोजिशन का पहले अगर होगा तो सब्जेक्ट होगा, बाद में होगा तो यहाँ पे सॉरी ये प्रेपोजिशन है तो उसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पे, यहाँ तो इज है तो इज तो कहेंगे नहीं, इसका सब्जेक्ट की बात करते नहीं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अबाउट जो ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद टू डाई आया हुआ है, तो जो टू डाई है यह एक इन्फिनिटिव है और यह अबाउट के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अबाउट जो प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से चौथा काम है कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट का काम करता है इन्फिनिटिव। तो इस तरह से हमने देखा इन्फिनिटिव का काम है सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा काम है ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और चौथा यह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में। एक और देखते हैं, एक देखते हैं बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। जितना अभी हमने एग्जाम्पल्स देखा है, टू प्लस वर्ब, इसको बोलते हैं, टू के साथ वाले को बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव, फुल रहता है। लेकिन जहां पे विदाउट टू हो जाता है, विदाउट टू अब प्लस वी वन, मतलब टू रहता ही नहीं है, वी वन रहता है खाली, उसे बोलते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव। देखिए जरा सेंटेंस, राम मेड सीता लॉफ, यहाँ पे लॉफ है, इसका रूप नहीं बदलेगा, लॉफ ही रहेगा, राम सीता दे ही सी कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे लॉफ एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और इसमें यह है विदाउट टू का इन्फिनेटिव, इसे बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ही डी नॉट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया, यहाँ पे जो एक गो है, गो है बेयर इन्फिनिटिव। ऐसे ही क्राई है बेयर इन्फिनिटिव, आस्क है बेयर इन्फिनिटिव।
तो जहां पे V1 यूज किया हुआ है और उसका रूप नहीं बदलेगा, वो भी नॉन फाइनाइट जैसा ही है, तो उसको आप कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो इस तरह से इन्फिनिटिव जो टॉपिक है इसे हमने खत्म कर लिया है। फाइनाइट वर्ब्स देखा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखा, और नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स तीन होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स। तो हमने अभी इन्फिनिटिव को कंप्लीट कर लिया है, कल के वीडियो में जेरंड और पार्टिसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।